लक्ष्य एक सरिता नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था। वो बिना किसी को बताए या पूछे उससे शादी कर लेता है और अपने घर अपनी माँ सुधी से मिलवाते हुए कहता है, माँ ये आपकी बहू है, मैं सरिता से बहुत प्यार करता हूँ और सरिता के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे तो मैंने और सरिता ने भाग कर शादी कर ली। बेटा अभी तेरी माँ है ना, तू मुझे बताता, मैं बात करती इसके घर वालों से, वो मान जाते। माँ वैसे ही आपकी इतनी तबीयत खराब रहती है इसलिए मैं आपको कुछ भी बताकर आपको और परेशान नहीं करना चाहता था। लक्ष्य अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ ना, अब माँ जी का ख्याल मैं अच्छे से रखूंगी। बेटा बहू तो तू बहुत अच्छी लाया है, आते ही मेरा दिल जीत लिया। आओ तुम लोग अपने कमरे में आराम करो, मैं खाना बना देती हूँ। माँ अब आप खाना क्यों बनाओगी, अब तो आपकी बहू आ गई है ना, वो खाना बना देगी। क्यों सरिता तुम खाना बना दोगी ना? ये क्या है, घर में बहू रानी की तरह आई हूँ लेकिन ये माँ बेटे मुझे नौकरानी बना देंगे, खाना और मैं बनाऊंगी। बेटा अभी तो तुम दोनों आए हो, थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो, और वैसे भी घर तो बहू ही संभालेगी ना, तो आराम कर लो जाओ। हाँ मेरी भी कमर में दर्द हो रहा है, मैं पहले थोड़ा आराम कर लूँ, बाद में सारा काम कर लूंगी, क्यों माँ जी? ठीक है तुम थोड़ा आराम कर लो लेकिन बाद में सारा काम कर लेना, माँ की तबीयत खराब रहती है, अब तुम ही माँ का ध्यान रखना है। हाँ आपकी माँ मेरी भी तो माँ हुई ना, आप चिंता मत करो। सुधी अपनी बहू को बहुत मानती थी लेकिन सरिता नए जमाने की बहू थी जो अपने में ही मगन थी। उसकी सास कुछ काम बोलती रह जाए पर सरिता अपनी सास की बात को अनसुना करती जाती थी, लेकिन सुधी अपने बेटे को इन सब के बारे में कुछ नहीं बताती। पर कुछ समय बाद सुधी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और वो बिस्तर से उठने लायक तक नहीं रहती। ऐसे ही एक रोज वो आवाज लगाकर अपनी बहू को बुलाकर कहती है, बहू मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, मेरी यही दवाई रखी है, जरा दे दे और एक ग्लास में गर्म पानी भी दे दे। दवाई तो आप नॉर्मल पानी से भी ले सकती हो, फिर गर्म पानी की क्या जरूरत है? बहू डॉक्टर ने बोला था कि जितनी भी दवाई है वो सब गर्म पानी से ही लेनी है। अरे माँ जी डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, आप भी क्या डॉक्टर की सुनती हो, नॉर्मल पानी से लिया करो दवाई, ठीक हो जाओगी। डॉक्टर बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे ना बहू, और वैसे भी गर्म पानी पीने से सेहत ठीक ही रहती है। आप इतने टाइम से गर्म पानी पी रही हो लेकिन कोई असर हुआ क्या आपकी सेहत में? नहीं ना, तो फिर क्यों डॉक्टर की बातों में चल रही हो? ठीक है तो भी तो पढ़ी लिखी है, जानती ही होगी क्या सही है क्या नहीं। अच्छा अब दवाई दे दे। माँ जी मैं अभी ना कर आई हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ, रील बना लूँ फिर आपकी दवाई दूंगी। लेकिन डॉक्टर ने बोला था दवाई समय पर लेना है। अभी तो आपको समझाया था डॉक्टर की बातें मत सुना करो, वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं, आप आराम करो मैं अभी जल्दी से रील बनाकर आती हूँ। इतना कहकर सरिता वहाँ से चली जाती है और रील्स बनाने लगती है। वो रील्स बनाने में इतनी खो जाती है कि सुधी को दवाई देना तक भूल जाती है। काफी देर तक जब सरिता सुधी को दवाई नहीं देती तो सुधी जैसे तैसे कोशिश करके खुद से जाकर दवाई ले लेती है और आराम करने चली जाती है। इसी तरह जब कभी भी सुधी सरिता को कुछ बोलती तो वो लापरवाही के चलते अक्सर भूल जाती। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सरिता अपने कमरे में बैठकर सज रही थी, तभी वहाँ सुधी आकर कहती है, बहू आज मुझे चेकअप के लिए जाना था, जरा मुझे डॉक्टर के पास तो लेकर चल। माँ जी आज तो मुझे अपनी सहेली के साथ किटी पार्टी में जाना था, अगर आपको डॉक्टर के पास जाना था तो आप मुझे पहले बता देती, मैं किटी पार्टी के लिए मना कर देती। बहू तुझे बताया तो था मैंने, शायद तू भूल गई होगी, लेकिन कोई बात नहीं, ज्यादा दूर नहीं है, डॉक्टर का क्लिनिक यहीं पर है पास में, मेरा चेकअप हो जाए तो तू वहीं से अपनी पार्टी में चली जाइयो। माँ जी आप ही बताओ, मैं ऐसे तैयार होकर डॉक्टर के पास जाऊंगी, अच्छा थोड़ी लगेगा, अब अकेली चली जाओ ना। बहू मुझे थोड़ी कमजोरी हो रही है तभी तो मैं तुझे साथ चलने को बोल रही हूँ। अरे माँ जी वैसे तो आप पड़ोस वाली आंटी के साथ पूरे दिन गप्पे लड़ाती रहती हो, और एक डॉक्टर के पास क्या जाना है, आपको तो कमजोरी ही होने लग गई। ठीक है तू जा अपनी पार्टी में, मैं चली जाऊंगी। अच्छा माँ जी आप ये सब बातें लक्ष्य जी को मत बताना, वो अभी अभी हमारी शादी हुई है ना, समझ रही हो ना आप, मैं तो चल लेती लेकिन किटी पार्टी में जाना है बस इसलिए नहीं जा सकती। इतना बोलकर सुधी डॉक्टर के पास अकेले चली जाती है और सरिता अपनी किटी पार्टी में चली जाती है। सुधी डॉक्टर के पास जाकर दवाई लाती है और घर के थोड़ा आगे आने पर ही उसे चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाती है। पड़ोस के लोग उसे घर लेकर आते हैं और लक्ष्य को कॉल करके घर बुलाते हैं। थोड़ी देर में सरिता भी अपने घर आती है और सरिता को ऐसे मजे में देखकर लक्ष्य उससे कहता है,
तुम्हें पता है ना माँ की तबीयत खराब रहती है, फिर तुमने माँ को अकेले डॉक्टर के पास कैसे भेज दिया? मैं तो माँ जी के साथ जा ही रही थी, मैं अंदर अपना पर्स लेने गई थी, तब तक माँ जी जा चुकी थी, मैं क्या करती? तो तुमसे थोड़ा ध्यान नहीं रखा गया क्या? अब देखो माँ की क्या हालत हो रही है। मैं अभी माँ जी के पीछे उन्हें देखने ही गई थी, लेकिन माँ जी अचानक से पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे मिली ही नहीं। बहाने बनाना बंद करो, ऐसा इतना सच दच कर तुम माँ को ढूंढने गई थी? तुम मुझे बोलने तो दो, मैं कहीं और जा रही थी, माँ जी ने बोला डॉक्टर के पास जाना है, तो मैं माँ जी के साथ जाने के लिए पर्स लेने गई, तब तक माँ जी चली गई थी और मैं पीछे गई तो माँ जी मिली नहीं, इसलिए मुझे जो काम था मैं वहाँ चली गई। आज तो हो गया, लेकिन आगे से कभी नहीं होना चाहिए, माँ की सेहत का ध्यान रखा करो। आपको ऐसा लगता है मैं माँ जी का ध्यान नहीं रखती हूँ? आपकी माँ मेरे लिए भी माँ ही है, आगे कभी नहीं होगा ऐसा। इतना बोलकर लक्ष्य अपनी माँ के पास जाता है। सरिता लक्ष्य की बातें सुनने के बाद कुछ दिन तक तो सुधी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से वही सब शुरू हो जाता है, फिर से सरिता लापरवाही करने लगती है। कुछ दिनों बाद सुधी के सर में बहुत तेज दर्द होता है और वो सरिता से कहती है, बहू सर दर्द हो रहा है, दवाई ले आ। माँ जी आपको तो हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है, यहीं रुको मैं दवाई लाती हूँ। सरिता सुधी के लिए दवाई लेने जाती है और वहाँ नींद की गोलियाँ भी रखी थी। सरिता अपनी लापरवाही के चलते सुधी को नींद की गोलियाँ दे देती है और वो सुधी को रिएक्शन कर जाती है और उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल तक लेके जाना पड़ता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद सुधी का इलाज होता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आकर सरिता और लक्ष्य से कहता है, आपकी माताजी ने नींद की गोली खाई है और उनकी बॉडी वो अब्सॉर्ब नहीं कर पाई, जिस कारण से वो कोमा में चली गई। लेकिन ये कैसे हो सकता है, मैंने तो माँ जी को सरदर्दी की दवाई ला कर दी थी। वो तो आपको ही पता होगा ना, लेकिन हमें उनके टेस्ट में जो पता लगा है हम वो बता रहे हैं। डॉक्टर मेरी माँ कब तक ठीक हो सकती है? ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज मेरी माँ कोमा में चली गई, मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत हो गई है, चली जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दो, अगर मैंने सावधानी रखी होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने बोल दिया ना तुम यहाँ से चली जाओ, मेरी माँ को हॉस्पिटल तो ला ही दिया है, अब और क्या करना चाहती हो? मुझे एक मौका दे दो, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी, मुझे मेरी गलती समझ आ गई, अब मैं माँ जी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। सरिता लक्ष्य को बहुत मनाती है और कई मिनटों के बाद लक्ष्य उसे माफ कर देता है। सरिता को अब अपनी गलती का दिल से एहसास था और वो अपनी सास का खूब ख्याल रखती है, समय समय पर दवाई भी देती है और धीरे धीरे उसकी सास की सेहत दुरुस्त हो जाती है। अब सरिता उससे भी अपनी गलती की माफी मांगती है और उसके बाद बिना लापरवाही के अपनी सास के साथ रहकर बहू होने का असली फर्ज निभाती है।